आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी की सब्जी, वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में, वो भी मेरे स्टाइल में, कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं हर हफ्ते ना दो बार जरूर बनाती हूँ लौकी या तोरई की सब्जी, जिनको मैं हर वीक न्यू स्टाइल से बनाती हूँ। आपको सुन के भी थोड़ी सी हंसी आएगी कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जी लौकी और तोरई ही है। किसी ज़माने में मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी ये सब्जियाँ, मुझे इनसे बहुत ही नफरत थी, बट आज की डेट में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल मेरी लौकी और तोरई हैं, और जिनको मैं बहुत तरीके से बना के खाती हूँ। लोग लौकी और तोरई ज़्यादा खाते हैं, उनको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें बनानी भी नहीं चाहिए, बनाने को तो मैं पता नहीं क्या क्या बना दूँ, बट आप बिलीव कीजिए हमें ऐसी सब्जियाँ भी खानी चाहिए और अपने बच्चों को भी हैबिट डालनी चाहिए। और कम मसालों में ही आपको मैं बना के दिखाऊँगी, और वो भी विदाउट गार्लिक और विदाउट अनियन। बच्चों को ना नए नए तरीके से बना के आपको सब्जियाँ खिलानी चाहिए, जिससे कि उनका मन भी लगे और उनको टेस्ट भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ मेरी रेसिपी में। लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो के आसपास लौकी, और ध्यान रखिए थोड़ा कच्चा ही होना चाहिए, वो पका वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ उसके जो सीड्स होते हैं ना वो मुँह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। और इसको आप अच्छे से वॉश करके कट करके रख लीजिएगा किसी भी शेप में। ये लिया है मैंने 4 बिग साइज़ के टमाटोज, और इसमें टमाटो ज़्यादा जाएंगे। ये लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 करी पत्ता और वेजिटेबल ऑयल, आप जो भी खाते हो। ये लिया है मैंने हींग, और 4 ली है मैंने ड्रम स्टिक, और इनको अच्छे से वॉश करके मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। और यही मेरा इसमें सीक्रेट है, मैं हर बार डिफरेंट तरीके से लौकी को बनाती हूँ, जिससे कि बच्चों के पेट में भी हर तरह की सब्जी जाए और उनको हैबिट भी हो जाए। ट्रस्ट मी गाइस, ये सब्जी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाजवाब होने वाली है, आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। ये लिया है मैंने कुछ रेगुलर मसाले। अब मैं क्या करूँगी, इन टमाटोज़ को ना रफली हाथ से ही चॉप कर लूँगी, मैं इनका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। अब मैं लूँगी एक प्रेशर कुकर, और उसको मैं मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी। अब जैसे वो हीट होगा, उसमें 3 स्पून के आसपास मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप कितना खाते हैं, बट मेरे लिए इतना डन था, मैंने इसमें इतना ही डाला। मैं इसको सिम फ्लेम पर रख दूँगी और हीट होने का इंतज़ार करूँगी, और हीट होने तक मैं अपने टमाटोज़ कट कर लूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इतने ऑयल हीट होता है तो इतने में बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ, इससे टाइम की भी सेविंग होती है, और जो समय आपके पास बचता है वो समय इससे तो अच्छा आप अपने बच्चों को दो, अपनी फैमिली को दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। गाइस, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाली हूँ, कभी भी ना अपना बिना टाइम टेबल के कोई काम ना कीजिएगा, सीरियसली। आप टाइम टेबल बनाएंगे ना तो आपके सारे काम बहुत ही स्मूथली होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे को हो गए, और अपनी फैमिली के साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, अभी ये करना है, वो करना है, उसको बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पर मेरा बेटा बीच में आ गया, उसको ऐसा लगता है कि मैं कैमरे में पता नहीं क्या करती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो न्यू है, बट उसे नहीं पता कि मैं क्या शूट कर रही हूँ, बट उसको समझ में आता है कि इसमें ना वीडियो बन रही है, तो वो भी ना कोशिश कर रहा है कुछ बोलने की, तो मैं उससे बोल रही हूँ चलो हाय बोल दो और तुम जाओ मुझे काम करने दो, तो वो चला गया, देन मैं बाकी के काम फिर से करने लगी। यहाँ मेरे सारे टमाटोज कट हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, इनको जितना हो सके ना उतना ही बारीक काटिएगा, ये नहीं है मोटे मोटे काटिएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पेस्ट भी बना सकती हूँ, बट यहाँ पर पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही काट सकते हैं। और कुछ चीज़ें ना हाथ से ही कटी हुई अच्छी लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में पेस्ट ही बना के डालें, कुछ लोग डालते हैं बट हर चीज़ में ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं अदरक का टुकड़े को भी बारीक बारीक काट लूँगी, इसमें कोई गार्लिक या अनियन की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ ऑयल मेरा हीट हो गया है, देन मैंने इसमें 1/2 स्पून के आसपास जीरा डाल दिया है, देन 1/2 स्पून के आसपास मैंने मस्टर्ड सीड डाली है एंड करी लीव्स, और जैसे ये चटकेंगी ना मैं इसमें सूखी लाल मिर्चें डाल दूँगी। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर दूँगी, और टमाटोज ऐड करने के बाद में अदरक भी ऐड कर दूँगी, देन इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। और ध्यान रखिएगा फ्लेम अपना मीडियम ही रखें। 1/2 स्पून हल्दी, देन टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डालिएगा, और 1/2 स्पून में डालूंगी देगी लाल मिर्च, और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। अब मैं 7 मिनट बाद इसको चेक कर रही हूँ, ये देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं, पूरा पेस्ट एकदम बन चुका है, और सच में कुकर में तो वैसे भी अच्छे से बॉयल हो जाता है। अब मैं इसमें ड्रम स्टिक और लौकी ऐड कर दूंगी।
ये देखिए अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। वैसे इसमें आप चाहें तो पानी डालें या ना डालें वो आप पे डिपेंड करता है, बट हमें थोड़ी सी रनी चाहिए थी। हालांकि लौकी पानी छोड़ता है बट जो ड्रम स्टिक होती है ना वो सूखी सूखी सब्जी में अच्छी नहीं लगती है, वो एक तरह से ना रसम टाइप में ही अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने इसमें हाफ ग्लास के आसपास पानी ऐड कर दिया है, देन इसका लिड लगा दिया है। अब मैं पूरा इसको वन विजल आने तक इंतज़ार करूँगी, देन इसको 15 मिनट के लिए सिम पर रख दूँगी, यानी कि 22-25 मिनट के लिए मैं इसको गैस पर रखूँगी। अब देखिए 25 मिनट बाद मैंने चेक किया है कितना सुंदर इसका कलर आया है, और ये फास्ट के लिए भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है। आप चाहें तो इसमें व्रत वाला नमक भी ऐड करके खा सकते हैं, मैं तो फास्ट में बनाती भी हूँ हमेशा इसी सब्जी को। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी और इसके बिना तो इसका मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तो धनिया पत्ती ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसमें कोई मैं अलग से मसाले नहीं डालने वाली हूँ, कोई गरम मसाला या किचन किंग मसाला, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको डिश आउट कर लूँगी, और आप इसको चावल या फुलके के साथ खा सकते हैं, और सच में बहुत लाजवाब बनती है। वैसे मेरा फास्ट ही था मंडे को, ये मंडे की क्लिप है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस सच में ये सब्जी आप बना के देखिएगा, फिर कहिएगा कि कैसी बनी, और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि ये लौकी की सब्जी है। मेरे बेटे को तो ऐसा लगता है कि उसके लिए मैंने सांभर बना दिया है, क्योंकि वो सांभर ना बड़े मज़े से खाता है। और उसको ना मैं कभी भी ऐसे नहीं बताती हूँ कि ये लौकी की सब्जी है, तो उसको आदत भी हो जाएगी और वो धीरे धीरे इन चीज़ों को खाने लगेगा। आप भी इसी तरह से अपने बच्चों को बना के इस सब्जी को ज़रूर खिलाइएगा, और सच में ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।